अस्सलाम वालेकुम बंसीज भाई, मामला ये है कि जैसे कि आप लोगों को याद होगा, 2 महीने पहले मैं सिंध गया था कुंडी शहर, वहाँ पे हमने कैटल फार्म की वीडियो बनाई थी जो कि था रफी कराई कैटल फार्म साथ भाई का था। तो मामला ये है कि सारे जानवर कराची आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने यहाँ पे रफी कैटल फार्म वगैरह भी लिख दिया है। तो मामला ये है क्योंकि आज रात को 8 बजे, आज है 17 तारीख फ्राइडे का दिन, आज रात को 8 बजे इसकी ओपनिंग है। मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन वगैरह पे भी थोड़ी सी समझा दूंगा, लेकिन मैंने कहा उससे पहले थोड़ी वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं यहाँ पे मामला क्या है। तो रात को 8 बजे ओपनिंग है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी आए, मैं भी यहाँ पे हूँगा, हम सब आपस में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले ये है कि आप लोगों को पहले दिखाता हूँ ओपनिंग से पहले के थोड़े से मामला, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो मामला दिया है मेरे पास फार्म पे, साथ भाई के छोटे भाई हमाद साहब भी मौजूद हैं। मैं इसके साथ ही आया था, अभी मैं फ़ौरन आ गया नमाज़ पढ़ के जुम्मे की, कि यार पहले एक बार कवर करके ना बताए थे, क्योंकि रात को 8 बजे ओपनिंग है। तो मैंने कहा कि सारे मामला होते रहते हैं, जानवर अभी थोड़े बहुत क्योंकि कल आए हैं, अभी थोड़ा सेट होने में उनको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पल गए हैं। क्योंकि मैंने तो 2 महीने पहले जानवर देखे थे, जिस तरह मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ये वाला बछड़ा जो था, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वो बछड़ा जिसने मैं साथ क्लिप भी अटैच कर दूंगा, ये वो बछड़ा है जो टांगे वांगे उठा रहा था वहाँ पे, फुल भाग घूम रहा था। ये कितना वजनी हो चुका है माशाल्लाह। और आप बाकी सारे जानवर भी देख सकते हैं, वो माशाल्लाह वो ऑस्ट्रेलियन है ये। और भी हमने कैटल फार्म पे कोई 20 के करीब जानवर देखे थे जब कुंडरी में थे, और शरीफ भाई आपको याद होंगे ये सारे जानवर भगा रहे थे उस टाइम हमारे जब हम गए थे। ये देखें माशाल्लाह, ये वाला जानवर भी वो है जो हमने जब साथ का इंटरव्यू लिया था तो पीछे ये वाले जानवर खड़े होते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बन के लाए, शरीफ भाई ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह इस बार जानवरों पर। तो ये है कि साथ भाई ने और ये छोटे कैटेगरी के जानवर भी यहाँ पे ले आए हैं, ताकि जो लोग जिनकी रेंज थोड़ी कम है वो भी आके यहाँ पे जानवर खरीद सकते हैं। देखें माशाल्लाह छोटे जानवर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रेट्स क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि एक तो 8 बजे ओपनिंग है, और फिर अभी मुझे रेट्स खुद भी नहीं पता, और हमाद को भी नहीं पता, साथ भाई बताएंगे, साथ भाई और जो मामू है सैफ मामू वो बताएंगे। तो ये है कि अभी हम रेट वेट नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ आप लोग को ये बता रहे हैं कि भाई जानवर कराची आ गए। लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में होंगे, ताकि आप लोग को जिस तरह आसान लगे आप लोग कर लीजिएगा, और आइएगा 8 बजे, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँगा, तो हम लोग आपस में मुलाकात करेंगे आज। लेकिन ये है कि मैं काफ़ी शॉर्ट नोटिस से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के 2:50 हो रहे हैं और 8 बजे ओपनिंग है, तो ये वीडियो एडिट होकर 5:30 बजे तक आएगी। लेकिन जो भी आ सके, क्योंकि मंडी के रस्ते में ही है बेसिकली, जो हमारा गेट नंबर 4 है ना, उससे जब हम राइट मुड़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ऊँट मंडी लगी हुई है। ऊँट मंडी के बिल्कुल सामने आएंगे आपको ये जानवर यहाँ मिलेंगे, तो कोई इतना दूर नहीं है मंडी से, और क्योंकि मंडी में भी नहीं है, और आप मेरा नाम लेंगे आगे तो हमाद भाई ज़रा कंसेशन कर दिएगा, ठीक है। तो ये है मामला, और ये है कि ये सारे जानवर मैं देख रहा हूँ कि लंपी वंपी हर चीज़ से बचे हुए हैं, तो वैक्सीन वगैरह हुई भी, अभी भी सैफ मामू की दवाइयाँ ही लेने गए हैं। तो ये है कि फुल ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे जानवरों का, तो उस वजह से बिल्कुल टेंशन नहीं है कोई। भाई मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे, बंसी भाई रेट्स तो आप बता नहीं रहे, तो क्योंकि मुझे अभी खुद भी नहीं पता, मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि भाई इतने का उतने का। देखो जो मैंने आपको बताया ना 2 महीने पुरानी वाली वीडियोस में, देख लो उसमें साथ भाई ने काफ़ी सारा हिसाब किताब बताया था इसका। लेकिन ये है कि मैं अभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि भाई इतने का उतने का, और बाद में पता लगा इतने का था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अब कराची जानवर आए हैं, उसके अलग कॉस्टिंग और हर चीज़ साथ भाई ने की होगी ना, एक हिसाब किताब तो बनाया ही होगा। तो मैं क्यों अपने तौर पर आप लोग को बोलूँ कि भाई ऐसे है या वैसे है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर छोटे जानवर भी मौजूद हैं, बड़े जानवर तो बहुत अच्छे मौजूद हैं, मतलब जिनकी रेंज अगर है ना अच्छी रेंज, जैसे वो जानवर देखें आप माशाल्लाह, ये सारे तुले हुए जानवर हैं,
तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला कि भाई इतना होगा उतना, आप सात भाई से आके या किसी से भी जो भी फार्म पे होगा आप पूछ लेगा भाई ये कितने किलो है, आपने वजन किया होगा ना, तो सात भाई के पास लिखा हुआ होता है। कुछ जानवरों के तो आपको याद है मैंने अपनी उस वीडियो में भी दिखाया था कि वजन मेरे सामने हो रहे थे उस टाइम पे ये 650 किलो 600 किलो के थे, तो अभी अगर 800 किलो भी हुआ तो ये 20 मन हो जाता है। 20 मन का शायद मुश्किल ही होगा क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं गेन कर सकता 2 महीने में जानवर, लेकिन ये है कि सुनने में आया कि सबसे बड़ा जानवर है वो 18 मन पे है, इसका मतलब 520 किलो, इसका मतलब ये है कि 720 किलो का भी जानवर यहाँ पे मौजूद है। तो आपको ये नहीं होगा कि यार हम क्या खरीद रहे हैं, अंदाजे पे खरीद रहे हैं, नपे तुले जानवर हैं, हर चीज़ रेट भी उस हिसाब से हैं, और आप लोगों को मतलब दिली सुकून भी होगा कि यार चलो 17 मन का जानवर है तो उसके अंदर 12-13-14 मन जितना भी गोश्त निकलता है, तो बेसिकली इतना ही निकलता है ना, 17 मन लाइव वेट का जानवर है तो उसमें 13 मन गोश्त निकल आएगा, जो कि सिंपल सी अजम्पशन है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, नस्ल पे डिपेंड करता है, इसमें ऑस्ट्रेलियन में से गोश्त ज़्यादा निकल आता है लेकिन उसका गोश्त की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन बाकी ये है कि मैं इसलिए रेट नहीं बता रहा कि भाई अभी मुझे खुद भी नहीं पता, रात को ओपनिंग है, सात बजे के साथ हम यहाँ पे होंगे, तो ये है कि आप लोग भी आ जाइएगा, मैं लोकेशन वगैरह सब डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, नहीं भी आ सके अगर ओपनिंग पे तो मैं वैसे भी लोकेशन डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी 3 बज गए और मुझे रात को 8 बजे अगर ओपनिंग है तो मुझे पता है इतने लोगों ने तो वीडियो नहीं देखी होगी कि वो आ सकें, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर किसी को आना है तो आ जाए, तो ये है कि इतने लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन ये है कि बाद में आप आना चाहें किसी भी टाइम तो ये मंडी में ही समझ लें हैं, क्योंकि ऊँट मंडी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे हैं, बस ऊँट मंडी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे आके आपको जानवर मिल जाएंगे। तो मामला ये है कि मैंने कहा थोड़ी सी आपसे 1-to-1 बात कर लूँ, ये ना होना कि आप लोग कहें कि यार सात भाई के जानवर बेच रहा है या कुछ कर रहा है, तो मैंने आप लोगों से बड़ा सीरियस होकर बात की है कि भाई मुझे खुद नहीं पता रेट में क्यों आके बोलूँ, ये है कि मैं सात भाई को ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई क्यों मेरा सब्सक्राइबर आता है, कोई भी मेरा सब्सक्राइबर आता है ख्याल करना है बेच देना है, मैं खुद यहाँ पर आपको कभी कभी मिला करूँगा तो मैं यहाँ पे भी होता हूँगा क्योंकि मुझे शौक है आपको पता है इस तरह बैठने का इधर उधर जानवरों के साथ, और अब तो अपने पास जगह भी आ गई है, सात भाई आपको पता है तो मेरे घर में ही रहते हैं, नीचे वो रहते हैं पर मैं रहता हूँ तो कोई ऐसा बड़ा मसला है नहीं, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लीजिए इस बारे में थोड़ी सी। तो भाई ये है कि सामने आप देख सकते हैं वो सारे हैवी जानवर, वो माशाल्लाह जो बिल्कुल फ्रंट पे हैं वो तो बहुत ही हैवी जानवर हैं, वहाँ पे भी जाके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये मिड रेंज वाले जो बेसिकली लोग हैं ना वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे जानवर भी काफ़ी सारे खड़े हैं, बड़े जानवर वगैरह भी मैं आपको बाहर की साइड मैंने अभी तक नहीं दिखाई, मैंने वहाँ पे सिर्फ इंट्रो ही दिया है, तो ये है कि मैं आप लोग को बाहर जाके वाली साइड भी दिखा देता हूँ, लेकिन उसके अलावा ये है कि ज़बरदस्त ये देखें माशाल्लाह कैसा पला है, ये सारे बछड़े वही हैं जो आपको अगर नहीं याद आ रहा ना, क्योंकि बहुत से लोग नए आए हैं चैनल पे पिछले कोई हमने 1-2 हफ्ते में ही 2,000-3,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, तो ऊपर यहाँ लिंक आ रहा होगा, 2 महीने पहले रमज़ान से एक दिन पहला मैं होके आया था कुंड्रीना इनके कैटर फार्म की वीडियो बनाने, तो ये सारे जानवर उस टाइम पे थे आप देख सकते हैं वाज़े फ़र्क है, उस वक्त भी खैर ये बहुत बड़े बड़े थे, अब तो और भी माशाल्लाह अच्छे पाल दिए, ये जावेद भाई भी थे उस वीडियो में, आज भी इनकी हम यहाँ एंट्री कराते हैं, कैसे हैं जावेद भाई ठीक है, बेहतरीन पाल दिए माशाल्लाह, बस अब बेचने वाली है, तो ये है कि लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, वो माशाल्लाह बहुत ही वजनी बछड़ा है, मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ, तो ये है मामला। अच्छा भाई तो मामला ये है, मैंने कहा आपको थोड़ी सी वीडियो ना मतलब फार्म की बना के दिखा दूँ कि भाई जानवर आ गए हैं, सबसे अच्छा फ़ायदा ये गाड़ी पे आए बाइक पे आए, कोई पास का चक्कर नहीं है मंडी की तरह, और बिल्कुल मंडी के पास है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे जाना है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और भी ज़्यादा काम होते हैं, शाम को मैं जाऊँगा दोबारा मंडी, तो आज के दिन 2 वीडियोज़ भी आ सकती हैं, और अगर रात को ओपनिंग पे आया तो कल तक 3 वीडियोज़ भी आ सकती हैं, कुछ पता नहीं है, तो ये है कि फुल मेहनत चल रही है, मेहनत का मतलब ये है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अभी जितनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं मतलब 2 दिन में कोई 500-600 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो इसी तरह लगे रहो मंड के रखो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें शेयर करें, तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट।